नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जहां एक ओर शासन प्रशासन स्कूलों को दोबारा शुरू करने की जद्दोजहद में लगे हैं, वहीं बच्चों तक पहुंच रहे संक्रमण ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। नवी मुंबई के स्कूल में मास टेस्टिंग के दौरान 16 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी छात्र कक्षा 8वीं से 11वीं तक में पढ़ते हैं। 18 दिसंबर को स्कूलों में हाई मास टेस्टिंग के दौरान 600 स्टूडेंट्स का परीक्षण किया गया था। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के संक्रमित होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। नवी मुंबई नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के पिता कुछ दिन पहले कतर से भारत लौटे थे। एहतियात के तौर पर विदेश से लौटे इस शख्स समेत उनके पूरे परिवार का कोविड टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में इस व्यक्ति की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके बाद पॉजिटिव छात्र के संपर्क में आए छात्रों का कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें 16 छात्र पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे और नवी मुंबई में 15 दिसंबर से स्कूल दोबारा खोले गए थे। स्कूल खुलते ही बच्चे संक्रमित की चपेट में आ गए, जिससे प्रशासन चिंतित है। स्कूल खुलने से पहले क्लासरूम के सैनिटाइजेशन समेत सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। प्रशासन अब स्कूल में सामूहिक कोरोना टेस्टिंग कैंप आयोजित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM।